हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और दोस्तों आज की जो अपडेट वीडियो है यह संबंधित है डीएलएड से। जी हां, 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए सूचना जारी कर दी गई है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा 6 जनवरी 2020 को यानी कल के दिन। तो दोस्तों जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 30 मार्च 2020 को क्रमशः प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न केंद्रों में परीक्षा केंद्रों में प्रस्तावित है। इसके लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए आपको ये कहाँ पर मिलेंगे, जो आप निर्धारित शुल्क करेंगे उसके निर्धारित शुल्क आपको जमा करना होगा मुख्य डाकघर और अन्य निर्धारित डाकघरों से 7 जनवरी 2020 से लेकर 3 फरवरी 2020 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि 4 फरवरी 5 बजे तक पहुंचने की है, कहाँ पर, जो परिषद का कार्यालय है। तो यह एक नोटिफिकेशन है, इसमें मैं आपको फीस बता दूं, फीस जो आपका सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 500 रुपये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये और सभी वर्ग के निःशक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 125 रुपये है। यहाँ पे जो आप डाकघर देख सकते हैं आपको आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, विकास नगर, ऋषिकेश, चकराता, आप सारी चीजें देख लीजिए, लास्ट में खटीमा और जसपुर। तो और जो सारी डिटेल है दोस्तों ये आपको मिल जाएगी www.ubsc.uk.gov.in पर। अब मैं आपको वो पूरा जो डिटेल में इनका आया हुआ है नोटिफिकेशन उसको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर जो पूरा उसका प्रवेश परीक्षा है कैसे आप करेंगे क्या क्या होगा वो सारे आपको इस वीडियो में यहाँ पर अब आगे पता लगेगा। ये देखिए जो अंतिम तिथि है वो है 4 फरवरी 2020 5 बजे तक। जो प्रस्तावित परीक्षा है वह 30 मार्च 2020 को होगी प्रातः 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं आपको, 7 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक हरिद्वार देख सकते हैं, हरिद्वार में, हरिद्वार रुड़की में आपको जो 13 जिले हैं वहां पर दिखाया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो इसका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा वह मार्च 2020 के तृतीय सप्ताह में किया जाएगा। इसके लिए जो आवेदन करना है दोस्तों यह आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। ऑफलाइन के लिए आपको जो निर्धारित डाकघर है उनसे आप निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और उसके बाद आवेदन पत्र को आपको परिषद की ऑफिस में भेजना होगा। मैं फीस आपको पहले ही बता चुका हूँ और यहाँ पर देखिए परीक्षा में अहर्ताएं क्या क्या हैं आप यह देख सकते हैं। यहाँ पर अहर्ताएं लिखा हुआ है जो उत्तराखंड लोक सेवा की परिषद जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही प्राप्त की है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं जो इनके परीक्षा केंद्र है हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, बेरनाग, डीडीआर, आप अपनी स्क्रीन पर टोटल 29 जो आपके परीक्षा शहर वहां पर केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 कॉम में विज्ञान वर्ग में 40%, भौतिक गणित विषय से विज्ञान स्नातक 40%, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान 20%, ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को जो उक्त विषयों से अतिरिक्त निर्धारित किए गए। इसी प्रकार मानविकी वर्ग में 15% अंग्रेजी भाषा से, 15% हिंदी भाषा, 70% अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यता धारियों से नियुक्त निर्धारित किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एज देख सकते हैं, एज दोस्तों आपकी है 19 वर्ष से लेके 30 वर्ष के बीच में। आरक्षण वगैरह आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे कितनी सीटें आपकी हैं। जैसे टोटल आप विज्ञान वर्ग में देख सकते हैं कि विज्ञान वर्ग में कुल 325 सीटें हैं जिसमें भौतिक विज्ञान और गणित के लिए 40%, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान 40% और इन दोनों से इतर जो अलग है उनके लिए 20% है। ऐसे विज्ञानोत्तर में 325 में अंग्रेजी के लिए 15%, न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत सहित उसके लिए 15%, अन्य मानविकी में 70% आप देख सकते हैं। इसकी जो दोस्तों आपकी फीस होगी प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से प्रतिवर्ष ₹35,000 प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा और ₹850 परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चयन का आधार भी अभी दोस्तों हम देखते हैं। देखिए चयन का आधार यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप इसमें 2.5 घंटे का आपका होगा, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। देखिए इसमें क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं, परीक्षा, पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन।
यहाँ पर लिखा हुआ है 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, चार विकल्प दिए रहेंगे जिसमें सामान्य ज्ञान बोध, सामान्य बुद्धा, तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, जिसका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा में आपका क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा पूछे जाएंगे, चार संभावित उत्तर है, एक सही उत्तर होगा और परीक्षा द्वारा जिन प्रश्नों के अंकित उसका त्रुटिपूर्ण ढंग से दिया जाएगा उसके लिए भी शून्य मार्क है। और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यह सारे देख सकते हैं। और आपको भेजना कहाँ पे है, यह भेजना है सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद DLED परीक्षा अनुभाग पोस्ट ऑफिस रामनगर नैनीताल में। तो आप यहाँ पे सारा इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा आज का जो यह अपडेट वीडियो है DLED से संबंधित आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे ही और वीडियोस भी लाते रहते हैं। यदि आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको हमसे मिलना है तो आप हमारे हल्द्वानी कार्यालय में आकर हमसे मिल सकते हैं। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।